गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विद ऑक्सीजन, एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। So I really, really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग please safe रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है, इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं, आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So I think ये जो emotional breakdown है, हम doctors ने सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, because we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you, okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यूर मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क, ओके? जस्ट बिकॉज आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क एट ऑल टाइम्स। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन, गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट। थर्ड थिंग, इफ़ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आप में कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पड़ा हो कि वैक्सीन के वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, इट्स अनट्रू। प्लीज टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के दो वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन कम दिख रहे हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग, ओके? एंड बस घर पर रहो, आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पर रहो, जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड, तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन, ओके? आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल, ओके? एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट अलाउिंग अ थर्ड वेव। सो थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है, इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है।